कल मैंने आप लोगों को बताया था सम एवं विषम संख्याएं, आज हम बताएंगे आप लोगों को अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? एक के अतिरिक्त वे सभी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृतिक संख्या से पूर्णतया न विभाजित हो या न कहते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दो, तीन, पाँच, सात, नौ नहीं होगी क्योंकि नौ तीन से कट जाएगी, ग्यारह, तेरह, पंद्रह भी नहीं होगी, सत्रह, ऐसे ऐसे संख्याएं। अब इसके बाद आते हैं अभाज्य, हो गया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हो गई दो, तीन, पाँच, सात, ग्यारह, तेरह, सत्रह, अठारह। अब आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं आप कह लीजिए कि इसके विपरीत एक से बड़ी वे सभी संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाएं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे चार, छः, आठ, नौ, दस, बारह, चौदह, पंद्रह आदि संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अभ्यास करिएगा और इसको याद करिएगा, आगे के टॉपिक हम फिर आएंगे। तब तक के लिए